दोस्तों आज हम एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने धुएंधार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से सबका दिल जीत लिया और जब भी वे स्ट्राइक पर होते तो बड़े बड़े बॉलर भी चाहते हुए किसी तरह उनसे बच जाए। जी हाँ, हम उस खतरनाक बैट्समैन की बात कर रहे हैं जिनका नाम आंद्रे रसल है। आंद्रे रसल को तो आपने देखा ही होगा और इनकी बैटिंग भी आपने देखी ही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आंद्रे रसल की लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर रसल की बैटिंग और बॉलिंग पसंद है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। रसल का फुल नेम है आंद्रे ड्वेन रसल, निकनेम है ड्रे रस रसल मसल, प्रोफेशन से एक क्रिकेटर है। रसल का जन्म 29 अप्रैल 1988 को किंगस्टन जमैका में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 33 साल के हैं। दोस्तों रसल का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए इनकी माँ डेविस चाहती थी कि रसल पढ़ लेकर कोई अच्छी सी जॉब कर ले। हालांकि बचपन में ही रसल को स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था और उनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और कहा जाता है कि बचपन में स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान रसल अक्सर स्कूल से निकलकर क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे और फिर घर की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए अपने स्कूल के समय में ही रसल ने ये फैसला किया कि वे क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे। हालांकि रसल अपने घर वालों को निराश नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी माँ से 2 साल का समय मांगा। रसल ने कहा कि अगर मैं 2 साल में क्रिकेट के अंदर सफलता नहीं पाऊँगा तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर उसी समय से रसल ने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए दिनों रात एक कर दिया। हालांकि अपनी माँ को दिए टाइम में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उनकी मेहनत को देखते हुए सभी फैमिली मेंबर्स को ये समझ में आ गया था कि रसल आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होंगे। अब बात करते हैं आंद्रे रसल के क्रिकेट करियर के बारे में। दोस्तों रसल वेस्टइंडीज़ के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। रसल क्रिकेट सीखने के बाद 2007 में रसल को पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जमैका की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला और अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से रसल ने सभी का दिल जीत लिया। और फिर बर्नेट्स ग्रीन क्रिकेट क्लब में दमदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज़ के सिलेक्टर का ध्यान रसल पर गया और फिर नवंबर 2010 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट टूर्नामेंट में रसल को पहली बार वेस्टइंडीज की टीम में जगह मिली। टेस्ट टीम में वे रन तो नहीं बना पाए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी से उन्होंने श्रीलंका को हराया जरूर था। और फिर रसल ने 2011 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ माहौली में अपना पहला वनडे मैच खेला। शुरुआत में इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन समय बीतने के साथ ही अगले कुछ मैचों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से रसल ने खुद को एक पावर हिटर साबित कर दिया। और इसी दौरान रसल ने 21 अप्रैल 2011 को T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ। बात करें रसल के आईपीएल करियर की, तो इन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2012 में दिल्ली डेयरडेविल के साथ की और दिल्ली डेयरडेविल ने रसल को 3 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है। और लगातार 2 साल तक रसल ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला, लेकिन 2014 के आईपीएल में केकेआर का हिस्सा बने, जब से अब तक रसल केकेआर के लिए ही खेलते आ रहे हैं। और दोस्तों आईपीएल में आपने इनकी बैटिंग और बॉलिंग तो देखी होगी। आईपीएल और वेस्टइंडीज टीम के अलावा भी रसल दुनिया की सभी बड़ी लीग में खेलते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आंद्रे रसल आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको आंद्रे रसल की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है माइकल रसल और इनकी मदर का नाम है सैंड्रा डेविस। और दोस्तों रसल को मिलाकर रसल के 4 भाई बहन हैं। और बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो इनकी वाइफ का नाम है जैसिम लॉरा और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है आलिया रसल। अब बात करते हैं रसल के हाउस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रसल अपनी पूरी फैमिली के साथ किंगस्टन जमैका में रहते हैं, जैसा कि इन पिक्चरों में आप उनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें आंद्रे रसल के कार्स कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके पास पहली गाड़ी है मर्सिडीज बेंज AMG CLA 45, जिसकी कीमत है 75 लाख रुपए। और दूसरी कार इनके पास है रेंज रोवर स्पोर्ट्स HSE, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 4 लाख रुपए। और इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज की मर्सिडीज बेंज AMG 663 भी है, जिसकी कीमत है दोस्तों 1 करोड़ 30 लाख रुपए। और दोस्तों रसल के पास BMW की BMW M5 भी है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 55 लाख रुपए। और इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज़ की मर्सिडीज़ बेंज AMG GLE 360S भी है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 75 लाख रुपए। और वहीं इनके पास लास्ट कार है टाटा हैरियर, जिसकी कीमत है लगभग 16 लाख रुपए।
वहीं बात करें रसल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रसल को आईपीएल का एक सीजन खेलने के लिए मिलते हैं 8.5 करोड़ रुपए, और इसके अलावा इनको पीएसएल खेलने के लिए मिलते हैं 2 करोड़ रुपए, और रसल एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए लेते हैं लगभग 1 करोड़ रुपए। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 95 करोड़ रुपए। तो ये थी अंदर रसल की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।